जिस प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं, दावा करते हैं भक्त कि विश्व गुरु है, उस प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन दीपिका पादुकोण को फीफा वर्ल्ड कप में, तब शायद अमित शाह को भी हार्ट अटैक आ जाता। दीपिका ने देश की इज्जत बढ़ाई, देश के स्टेशनों को, एयरपोर्ट्स को बेका नहीं। वो सेलिब्रिटी है, क्रिकेट सेलिब्रिटी हो या दीपिका पादुकोण हो या खिलाड़ी हो, ये लोग हमारे देश का एसेट हैं, जो हमारे देश की पहचान दूसरे मुल्कों में कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चिढ़ गए, अमित शाह चिढ़ गए, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के पिछवाड़े लाल हो गए। जी हाँ, वो लाल इसलिए हो गए क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो ना होना चाहिए था, और जो हो गया वो ऐसा हो गया जो भक्तों को उम्मीद ना थी। ये भक्त पठान फिल्म का बहिष्कार करने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग पठान फिल्म देखने की जिद के पीछे अड़े हुए थे, लड़े हुए थे। लेकिन यहां भाई ऐसा क्या है, मेरी प्रेम दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर नई ताजगी के साथ, नए रंगों के साथ। रंगों से थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, क्योंकि रंगों से खेलना तो केवल भारतीय जनता पार्टी को आता है, लेकिन यह रंगों से खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे रंगों से खेलना भी बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री मोदी को उदास कर देते हैं और भक्तों की चड्डी थोड़ी ढीली कर देते हैं। बात करनी जरूरी है। भक्त जो थे दीपिका पादुकोण के भगवा वस्त्र को लेकर के बड़े परेशान थे, लेकिन आज जो है आज तक पर गोदी मीडिया पर मैसी जो है फुटबॉल प्लेयर बन गए, उनकी बड़ी शानो गाथा गाई जा रही है। लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री जिसका नाम है दीपिका पादुकोण, जी हां दीपिका पादुकोण, जिसके बारे में रोहिणी सिंह ने सुबह ट्वीट कर दिया था कि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है उन्हें कौन जानता है, भारत की पहचान ऐसे अभिनेताओं से है जिनकी पिक्चरें देखते हैं। याद है ना वो राज कपूर का गाना, जब नेहरू जी गए थे रूस में तो वहां रशियंस जो थे गाना गाते थे, मेरा जूता है जापानी। भाई फिल्म सिटी का अंदाज ही ऐसा होता है, जो हमारे ये एक एसेट होते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले अभिनेता, ये देश विदेश में हमारे देश के लोकतंत्र की प्रसिद्धि दिलवाते हैं। वो अलग बात है, कनाडियन कुमार आम के ऊपर बात करने लगता है, चलिए जिसको आम के ऊपर बात करनी है वो आम के ऊपर बात करे, लेकिन यह देश का एक ऐसा सम्मान हुआ हिंदुस्तान का, जिसके बारे में शायद प्रधानमंत्री मोदी चिढ़ गए, अमित शाह चिढ़ गए, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों के पिछवाड़े लाल हो गए। जी हां, वो लाल इसलिए हो गए क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो ना होना चाहिए था, और जो हो गया वो ऐसा हो गया जो भक्तों को उम्मीद ना थी। ये भक्त पठान फिल्म का बहिष्कार करने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग पठान फिल्म देखने की जिद के पीछे अड़े हुए थे, लड़े हुए थे। लेकिन यहाँ भाई ऐसा क्या हो गया कि भक्तों की आत्मा सुलग गई और आज कई भक्तों के यहाँ खाना भी नहीं बना होगा। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है, जरा दिल थाम के सुनिएगा, और जिन भक्तों को दिल की बीमारी हो तो ये वीडियो ना देखिएगा। आपसे गुजारिश है हजूर आला, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं। जी हां, जिस प्रधानमंत्री मोदी को बोलते हैं, दावा करते हैं भक्त कि विश्व गुरु है, उस प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन दीपिका पादुकोण को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया जाता है ट्रॉफी देने के लिए। ग्लोबल आइकन के तौर पर एक्ट्रेस देश को गर्व करने का मौका देती है। यह एक्ट्रेस दीपिका ने फीफा विश्व कप की 2022 की ट्रॉफी लॉन्च कर इतिहास रच दिया। जी हां, क्या किसी अंजू मंजू संजू गंजू और ये नई नई जो पैदा हुई हैं साध्वी टाइप की पत्रकार, क्या किसी ने जश्न मनाया इस महिला की कामयाबी का? मना ही नहीं सकते, क्योंकि संघ की मानसिकता महिला विरोधी है। और पादुकोण की सफलता की कहानी जो गाई जानी चाहिए थी, एक सोने की ट्रॉफी हाथ में उठाए हुए दीपिका पादुकोण मासूम सी नजर आई थी। मैं आपको बता दूं, ये वही दीपिका पादुकोण हैं जिनके पिता बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जिनका मर्डर लखनऊ में हुआ था। ये पॉलिटिकल बातें हैं, इनकी बातें बाद में करेंगे। प्रकाश पादुकोण नहीं, मर्डर नहीं हुआ था उनका, सॉरी, प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं वो, दूसरे वाले थे जिनका मर्डर हुआ था, वो संजय सिंह वाले थे। चलिए छोड़िए,
वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल 18 दिसंबर को हुआ और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे रोमांचक फुटबॉल फाइनल में से एक बन गया। विश्व कप फाइनल का एक और अट्रैक्शन स्टार गोल्ड ट्रॉफी था, जिसे लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने जीता और मेसी को भी खिताब मिल गया एक मतलब इतिहास रचने वाले खिलाड़ी का। इसी के साथ भारत को गर्व करता हुआ पठान एक्ट्रेस फीफा के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई, जो भारत की सबसे ग्लोबल एम्बेसडर में नंबर वन थी। अब यहां जो छाती फाड़ करके गोदी मीडिया रो रहा है, दीपिका पादुकोण की खबरें नहीं दिखा रहा। डीएनए इंडिया की खबर के मुताबिक पठान एक्ट्रेस दीपक पादुकोण कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी को रिवील करने के लिए चुना गया। इसलिए चुना गया, इस साल मई में लग्जरी क्लोथिंग एक्सेसरीज ब्रांड लुई बुइटिन की ग्लोबल एम्बेसडर रही हैं। जी हां, लुई बुइटिन 2010 से फीफा वर्ल्ड कप का पार्टनर रहा है, पिछले 10 दशकों में फुटबॉल विश्व कप के सपोर्ट का कारण है। इसके ग्लोबल एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को 18 दिसंबर को अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल से पहले ट्रॉफी को लॉन्च करने के लिए चुना गया था। बेशर्म रंग पर बोलने वाले वो गृहमंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा शायद अपने शब्दों को थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे। क्या नरोत्तम मिश्रा को फीफा वर्ल्ड के लिए चुना गया, या प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया, या अनुराग ठाकुर को चुना गया, या ऐसे कौन से वीर शूरवीर विश्वगुरु नेता हैं जिनको चुना गया? चुना गया तो उन्हें चुना गया जो चुनने के लायक थे, जिन्होंने कभी किसी ऐसे विवाद में पड़ना ठीक नहीं समझा जो विवाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए घातक था। दीपिका पादुकोण गई, लॉन्च की, ये देश के लिए सम्मान की बात थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस पर भी दीपिका पादुकोण पर आरोप लगाए गए। नग्नता पर दुनिया भर की चीजें, एक वीडियो जो मैं आपके बीच नहीं डाल पाया वो यहां मैं शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने कल बनाया था, थोड़े से अंश यहां डालना चाहूंगा, जिसमें साफ साफ मैंने क्लियर किया है कि जब दीपिका पादुकोण के भगवा पहन करके डांस पर आतंक है, तो मनोज तिवारी से लेकर के अक्षय कुमार सारे लोगों ने मतलब कितना विद्रूपता के साथ जानबूझ करके मजाक उड़ाया है। तो फिर सन्यासी फिल्म जो मनोज कुमार ने बनाई थी, जिसमें इन ढोंगी साधुओं का मजाक उड़ाया था, बेईमान फिल्म जिसमें नेताओं का मजाक उड़ाया था, क्या गुनाहें? लेकिन इतना तो तय हो गया कि दीपिका पादुकोण को जिस तरह से सम्मानित किया गया, उस तरह से खबरें भी आईं। दीपिका पादुकोण के फोटो उस ट्रॉफी के साथ भक्तों का दिल जला रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना शायद ही कोई कर सके। अगर मीडिया में ये खबरें आ जाती कि दीपिका पादुकोण ने वो कमाया जो किसी ने ना कमाया, तब शायद अमित शाह को भी हार्ट अटैक आ जाता। दीपिका ने देश की इज्जत बढ़ाई, देश के स्टेशनों को एयरपोर्ट्स को बेका नहीं। वो सेलिब्रिटी है, क्रिकेट सेलिब्रिटी हूं या दीपिका पादुकोण हूं या खिलाड़ी हूं, ये लोग हमारे देश का एसेट हैं, जो हमारे देश की पहचान दूसरे मुल्कों में कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी कलंदरबाजी नहीं है, इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, झूठ बोलते हैं ये पक्का है। चीन पर इनकी जुबान बंद रहती है, गुग्गी बन जाते भाई, संसद में भी नहीं बोलते यार इनके नेता, तो इतने डरपोक हैं। मुझे तो शर्म आती है यार कि कैसे प्रधानमंत्री को मतलब लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया। अबे हिंदुत्व का ढोल हम कब तक बजाएंगे, ढोल फट चुका है, ढोल में से बासी हवा आ रही है गटर की, जिसमें सड़ा हुआ हिंदुत्व नजर आ रहा है, यह हर कोई देख सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि दीपिका पादुकोण को सम्मान मिला और जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप में उनकी तस्वीरें वायरल हुई और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी शादी के बाद भी, किसका दिल ना आ जाएगा उन पर? दिल सबका आता है।
दिल सबका करता है और हिंदुस्तान का तो सीना चौड़ा हो गया, लेकिन हिंदुस्तान का जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने मान बढ़ाया उसका गर्व शायद महिला पत्रकारों को नहीं हुआ, लेकिन विदेशों में दीपिका पादुकोण ने हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजाया कि नहीं बजाया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बजा दिया है। सेकंड सीरीज वो होगी दीपिका पादुकोण पर ही, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था वो कल 11 या 12 बजे रिलीज करूंगा इसी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।